अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना कहा था पीटीआई वाले कितने चलाके वर्चुअल जलसा कर दिए। हाय अल्लाह, जो कुछ जान दा बंदा सी कोई वर्चुअल जलसे ते हर मुल्क दा बंदा सी। फ्रांस तो भी बंदे आए हुए सब। हाय हाय, बड़ी कोशिश की इन लोगों ने, बड़ी कोशिश की है। इंटरनेट भी बंद कर दिया, पर मजाल है जो इमरान खान चाल चलता है ये उसके उलट चलते हैं। और फिर इमरान खान की पता नहीं वाह वाह हो जाती है, सारी दुनिया में वाह वाह हो रही है। जो जलसा किया है, कोई जलसा किया है वर्चुअल, भाई कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा कोई इस्तेमाल किया है। बड़े लोग थे भाई, बड़ा ही कोई तेज़ बंदा है, बंदे इसके भी बड़े तेज़ हैं। अब और एक और कहानी, मरियम नवाज़ बेचारी को पीछा ही पकड़ लिया इन लोगों ने। आप पता है सनम जवेद खड़ी होने लगी है मरियम नवाज़ के मुकाबले पे इलेक्शन में ना, तो इतनी सी वो बच्ची है, पर पता है ना लोगों ने तो उसी को वोट देना है, सनम जवेद को, जो इतने दिन से जेल में। जो ये तो इमरान खान वाले जो है ना, कोई बंदा सोचे ये लीडर ख़त्म, वो लीडर ख़त्म, हर इन्होंने बंदे को लीडर बना दिया है। अब वो थी, वो सनम जवेद से बोलती तो थी, अब वो इलेक्शन लड़ेगी, लोगों ने उसको वोट भी दे देना है। सुने हम नवाज शरीफ नाल कोई हालात नहीं ना सही, नवाज शरीफ के साथ कोई नहीं ताल्लुकात अब सही हुए हुए इन लोगों के। पहले इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बनाते हैं वज़ीर आज़म, पर इमरान खान ने तो ऐसी कोई मट्टी पलीत की है नवाज शरीफ की कि मैं क्या बताऊँ। मरियम नवाज़ की, उसके बंदों ने भी, अब कहते हैं शायद जरदारी पे हाथ शत रख दिया। जरदारी ने कहा है कि मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, तो बिलावल को भी सुना है जरदारी ने आग कर दिए। कोई नहीं, अब बिलावल शलावल बढ़ाना उसने वज़ीर आज़म, कहता है मुझे बना दो तो मैं आप लोगों के काम कर लूँ। पता नहीं अब सारे जड़े मुस्लिम लीग में गए थे वो सारे आहिस्ता आहिस्ता अब नवाज शरीफ वो उधर जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, ये अपना जरदारी की तरफ। पता नहीं क्या खिचड़ी बनाई हुई है, पहले नवाज शरीफ के पीछे लगे कि उसको बना देंगे उसको बना देंगे, अब जरदारी पे हाथ है, तो कोई पता नहीं, एंड तक कोई पता नहीं लगना। मुझे तो लगता है आखिर में इमरान खान ने जीत जाने। इतने कुछ तेज़ लोग हैं, पता है वो जो अपना फाइजी सा जो वो है जस्टिस फाइजी सा, उसके ख़िलाफ़ भी कोई अब करने लगे हैं ये वीडियो शीडियो के मैसेज जमा कर रहे हैं पीटीआई वाले, वो करेंगे मुकदमा उसके खिलाफ। सही कहता था इमरान खान, सारे नु रुला छोड़े, सारे हर बंदा रो रहा है, सारे जज रो रहे, तो नवाज शरीफ रो रहा, तो वो भी रो रही है अपना मरियम नवाज, कितना रो रही होगी अब कि मैं कैसे जीतूँगी। हाय हाय, कन्वेंशन करते हैं ये पीटीआई वाले तो जलसे बन जाते हैं, और वो जब जलसे करते हैं तो जलसियाँ बन जाती हैं, पता नहीं क्या होगा। तुम वेखो, मैं भी वेख रही हूँ, 8 फरवरी नू इलेक्शन है, तो वोट दे देना फिर किसी नू, इमरान खान नू ही दे देना फिर, और तो कोई मैनू बंदा सही नहीं लग रहा।